जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल को देख लिया होगा, असम राइफल। तो बहुत से स्टूडेंट अभी ये सोच रहे होंगे, सर अभी तो भर्ती चल रही है और आपने न्यू रिक्रूटमेंट के लिए वीडियो बना दिया। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, मेरा जो एक उद्देश्य रहता है, मेरे चैनल से जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर वीडियोस देख रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि एक जॉब मिले। और जॉब आप लोग को तभी मिल सकती है जब आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट आए। रिक्रूटमेंट चल रही है, बहुत से स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, ठीक है, पेपर अच्छा नहीं गया, निराश हो चुके हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को मोटिवेट करने के लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूं। ऐसा नहीं है मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कुछ लिंक्स हैं, कुछ प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जानकारियां मिलती रहती हैं। और यदि जानकारी मिलती है पूरी तरीके से, उसका विश्लेषण करने के बाद मुझे लगता है यार ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही राइट है, स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो तैयारी करते रहें, निराश ना हो। यदि मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो निराशा उन्हें हाथ नहीं लगनी चाहिए, एक्टिव रहिए। इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आता हूं, ताकि आप लोग एक्टिव रहें, तैयारी करते रहें। समय का कुछ पता नहीं, कब क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल जाए और आप लोग भी सक्सेस हो जाए। बस तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँ, असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2023, बिल्कुल कंफर्म इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, रिक्रूटमेंट रैली 2023 इन्फॉर्मेशन मेरे पास काफ़ी समय पहले से है, लेकिन आप लोग के फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो रहे थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, कि आप लोग को लगेगा कि सर अभी तो हम फिजिकल देने जा रहे हैं, आपने न्यू रिक्रूटमेंट के लिए वीडियो भी बना दिया। तो देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बहुत से स्टूडेंट जो फिजिकल देने गए हैं, शायद उन लोगों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे उनके सेंटर पड़े हुए हैं और वहाँ वो गए हैं, रुके हैं, तो लोगों से मिले हैं, तो उनको जानकारी ज़रूर मिली है, स्टाफ मेंबर्स वगैरह से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें भी ज़रूर मिली होगी। यदि वो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता होगी कि सर बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन यही है आप लोग के लिए कि असम राइफल 2023 की रैली का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप लोग की अभी रैली चल रही है, ठीक है, रैली चल रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कई ट्रेनों के लिए यहाँ पे मेडिकल तक ले लिए गए हैं। मेडिकल लेने के बाद सिर्फ फाइनल लिस्ट उनकी निकालनी है, जिसमें कि उन्हें ट्रेनिंग लिस्ट निकल जाएगी, यानी कि उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होनी है। और कई ट्रेडों के लिए रिटर्न एग्जाम हो चुके हैं, मेडिकल का वेट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी स्वीपर वगैरह के, ठीक है, और कुक वगैरह के हुए हैं, अभी कुक्स के अभी और भी बाकी हैं, अभी क्लर्क का भी जो है रिटर्न एग्जाम वगैरह बाकी है फाइनल, और उसके बाद मेडिकल वगैरह होना है। तो फरवरी मध्य तक आप लोग के जो है यहाँ पे फिजिकल का प्रोसेस चलने वाला है, यानी कि फिजिकल, पीटी, पीएससी, जो आप लोग की रनिंग वगैरह है और हाइट वेट चेस्ट और ट्रेड वगैरह होने वाले हैं। इसके बाद आप लोग का जो है फरवरी लास्ट तक यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम वगैरह फाइनल करा लिए जाएंगे सभी ट्रेडों के। जी हाँ, सभी ट्रेडों के रिटर्न एग्जाम यहाँ पे आप लोग के फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद मेडिकल होते हुए आप लोग के जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, यानी कि आप लोग की जो ज्वाइनिंग की लिस्ट होती है वो लिस्ट निकल जाएगी, और ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लगने वाला है। जी जुलाई तक आप लोग की यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, बिल्कुल कंफर्म प्रोसेस यही है। सब कुछ ठीक चलता रहा तो आप लोग जुलाई तक आप लोग का जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग भी जो है ट्रेनिंग के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट सक्सेस, रिटर्न एग्जाम अच्छा गया है, अभी देने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग को जो है नेक्स्ट, उसके लिए आप लोग को जो है कोशिश ना करनी पड़े, आप लोग इसी में सफलता प्राप्त कर लें, यही मैं चाहूँगा आप लोगों से। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के फिजिकल वगैरह हो गए हैं, रिटर्न वगैरह, और रिजल्ट सही नहीं आया, निराशा हाथ लगी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है,
असम राइफल रैली 2023 आप लोग की आएगी, कंफर्म आएगी। आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे असम राइफल की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली थी, इसमें कुछ वैकेंसियाँ बढ़ाई गई थी, उन वैकेंसियों को वापस ले लिया गया था। उन वैकेंसियों को वापस क्यों लिया गया था आप लोगों को पता होना चाहिए, आखिर वैकेंसियाँ बढ़ाने के बाद वैकेंसियों को वापस क्यों लिया गया, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। तो इसका रीज़न यही था, उस वैकेंसी को अब न्यू रिक्रूटमेंट में ऐड करना है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आप लोग के रिक्रूटमेंट की जो है वैकेंसियों को वापस लिया गया था। 200 प्लस समथिंग कुछ वैकेंसी थी, तो यानी कि प्रोसेस आप लोग का उसी समय स्टार्ट हो चुका था। मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि न्यू रैली की तैयारी चल रही है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। जब अभी आप लोग की पहली रैली ही फिनिश नहीं हुई तो दूसरी रैली कैसे स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है, फिजिकल ट्रेड रिटर्न मेडिकल, इतना फास्ट इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, तब मुझे इस पे विश्वास होने लगा कि जो न्यूज़ मेरे पास है वो बिल्कुल सही है। आप लोग की असम राइफल रिक्रूटमेंट रैली 2023 का प्रोसेस चल रहा है मार्च अप्रैल, जी हाँ मार्च अप्रैल की डेट फिक्स चल रही है डिपार्टमेंट में। मार्च अप्रैल 2023 में आप लोग की रिक्रूटमेंट की बात कही जा रही है, बिल्कुल कंफर्म जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ। जी हाँ, ये इस रैली का 2021 वाली रैली का प्रोसेस बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा, और आप लोग देख रहे हैं प्रोसेस चल रहा है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस चल रहा है आप लोग का। बहुत ही जल्द फाइनल प्रोसेस होते हुए ज्वाइनिंग लगेगी आप लोग की, उसके बाद 2023 में आप लोग की रिक्रूटमेंट आएगी। यदि आप लोग को इस बार निराशा हाथ लगी है, घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी करते रहिए, सब भी चीज़ें आप लोग के पास हैं, आप लोग प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है कि आप लोग को एवरीथिंग जानकारी है, या चाहे आप लोग की कलर की पोस्ट के लिए टाइपिंग क्या होती है, कैसे करवाई जाती है, सेंटर कहाँ है, कैसे जाना है, कैसे रुकते हैं, मीन्स एवरीथिंग जानकारी आप लोग के पास है। कुक में, कुक ट्रेड में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, फिजिकल कैसे हो रहा है, रनिंग कैसे हो रहा है, कौन सा ग्राउंड कैसा है, कहाँ रुकना होता है, मीन्स एवरीथिंग जानकारी आप लोग के पास है। यदि आप लोगों ने फिजिकल देने गए हैं, रिटर्न आप लोगों ने दिया है, या फिर आप लोग जाने वाले हैं, जरूर जाइए, क्योंकि नॉलेज, इससे आप लोग का नॉलेज ही बढ़ेगा, नॉलेज आप लोग का आगे काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। और यदि आप लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप लोग के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए जो पहली पसंद असम राइफल ही रहती है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप लोग अभी, आप लोग का प्रोसेस समाप्त हो गया है, सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, घबराइए मत, तैयारी करते रहिए, फिजिकल दीजिए, रिटर्न दीजिए, कोई भी दिक्कत होती है तो न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए रखी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, अभी रिटर्न दे रहे हैं, फिजिकल दे रहे हैं, उस चीज़ का पूरा प्रोसेस आप लोग ध्यान से रखिए, नोट करके रख लिए, किस किस प्रकार के क्वेश्चन कुक ट्रेड में पूछे गए हैं, रिटर्न एग्जाम में आप लोग का क्या क्या आया, उसे एक बार नोट करके आप लोग अपनी एक डायरी बना लीजिए, उसे नोट करके आप लोग रखिए, ताकि आगे आने वाले समय में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही कन्फर्म बेस्ट न्यूज़ आप लोग को दे रहा हूँ। जी हाँ, न्यूज़ मेरे पास थी और मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को जानते होंगे जो वहाँ पे फिजिकल देने गए होंगे। तो वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी कितनी आएगी, देखिए मैं अभी इसका खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन वैकेंसी आएगी आप लोग की 800 प्लस वैकेंसी ही आप लोग की रहने वाली है। वैकेंसी में चेंजेस होंगे, क्योंकि वैकेंसियां बढ़ेंगी, ठीक है, आने वाले समय में कितनी बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, इसका अभी से कुछ खुलासा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो डिपार्टमेंट के पास अभी जानकारी है, जो अभी न्यूज़ मिल रही है, 800 से ऊपर आप लोग की वैकेंसी 2023 में आएगी। मार्च अप्रैल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समय से पहले इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच पे लेकर यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको क्लियर हो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।